नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम चर्चा करेंगे इवोल्यूशनरी मॉडल पे। हमने इससे पहले भी पढ़े वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, जो कि सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं, उनमें से आज हम चर्चा करेंगे इवोल्यूशनरी मॉडल पे। इवोल्यूशनरी मॉडल एक इटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल के कॉम्बिनेशन की तरह है। इन दोनों को कंबाइन करके इवोल्यूशनरी मॉडल को डिज़ाइन किया गया। जैसा कि इसका नाम खुद सजेस्ट करता है, इवोल्यूशनरी यानी ये इवॉल्व होता है हर स्टेज से, यानी हर स्टेज पे आप डिज़ाइन करते हैं, फिर कस्टमर से फीडबैक लेते हैं एंड देन फिर उसमें कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, उस स्टेज में फिर इम्प्रूवमेंट्स लिए जाते हैं एंड देन करते करते प्रोसेस आगे चलता है। प्रोसेस में सारे इटरेटिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आपके वाटरफॉल मॉडल में यूज़ किए जाते हैं, और उसको इसीलिए इंक्रीमेंटल यूज़ किया जाता है क्योंकि एक वाटरफॉल मॉडल का इसमें यूज़ किया जाता है। फीडबैक जो यूज़र्स से इसमें मिलता है उसके बेसिस पे प्लानिंग की जाती है कि हमें नेक्स्ट साइकिल में क्या करना है, और डेवलपमेंट टीम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक छोटा कोर ऑब्जेक्ट बना लिया जाता है और वो जो भी कस्टमर है उसको दे दिया जाता है कि आप इसको यूज़ करें। कुछ चेंजेस होते हैं तो वो इन्फॉर्म करते हैं और अगेन उसके मॉडल को चेंज किया जाता है। ये उन केसेस में काम आता है जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है या बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तब कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाने के बजाय एक छोटा पार्ट डिज़ाइन करके उस कंपनी को दिया जाता है, जैसे कि इस तरीके से यूज़ किया जाता है। फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूज़र ऑन द प्रोडक्ट फॉर द प्लानिंग स्टेज ऑफ नेक्स्ट साइकिल एंड द डेवलपमेंट टीम रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू दैट। सो द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इवॉल्व्स विद टाइम, इसलिए इसका नाम इवोल्यूशनरी मॉडल रखा जाता है। समय के साथ धीरे धीरे वो डेवलप करता जाता है। ऑल द मॉडल्स हैव डिसएडवांटेज दैट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू द डिलीवरी टाइम ऑफ द सॉल्यूशन इज वेरी हाई। इवोल्यूशनरी मॉडल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन डिफरेंट अप्रोचेस। लगभग सभी मॉडल्स में जो डिज़ाइन टाइम होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसको ये सॉल्व करता है। ये कैसे सॉल्व करता है कि एक छोटा मॉडल ये डिज़ाइन करके देता है। जैसे सॉफ्टवेयर कंसेप्ट्स आपने लिए उस प्रोसेस में, जो भी आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने हैं उसके बेसिस पे, फिर प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपने ली, अगेन जब आप उससे नेक्स्ट स्टेज पे गए आर्किटेक्चर और डिज़ाइन किया तो उसके बाद फिर आप प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स पे जाते हैं, कुछ और चेंजेस होते हैं वो उसमें मैनिपुलेशंस करते हैं, देन अगेन यू विल गो टू द डिज़ाइन फेज। यहाँ तक के सारे प्रोसेस में, सभी स्टेजेस में आप एक फेज से वापस बैक स्टेज पे जाके, बैक फेज में जाके कस्टमर से आप रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। डिज़ाइन के बाद जब आप कोडिंग वाले पार्ट पे आते हैं तब फिर आप एक छोटा वर्जन डेवलप करते हैं, फिर उस वर्जन को आप डिलीवर करते हैं। डिलीवर करने के बाद उसकी कस्टमर फीडबैक लेते हैं कि हाउ इट इज़ वर्किंग, इट इज़ परफेक्ट वर्किंग, देन कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर आप एक और वर्जन उसका डेवलप करते हैं, इसमें कुछ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, देन अगेन उसको डिलीवर करते हैं, फिर कस्टमर फीडबैक लेते हैं। इस तरीके से ये इवॉल्व होता है, छोटे छोटे वर्जन से एक बड़े वर्जन में ये कन्वर्ट होता है। सो कस्टमर डजंट हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको वेट नहीं करना पड़ता, उसको एक छोटा मॉड्यूल मिल जाता है और वो उस पर वर्किंग शुरू कर देता है। किन केसेस में ये एप्लीकेशन में काम आता है? इट इज़ यूज इन लार्ज प्रोजेक्ट्स वेयर यू कैन ईजिली फाइंड मॉडल्स फॉर इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉमनली यूज व्हेन द कस्टमर वांट्स टू स्टार्ट विद द कोर फीचर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द फुल सॉफ्टवेयर। उन केसेस में काम आता है जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, और उन बड़े प्रोजेक्ट्स में कस्टमर ये चाहता है कि हमें एक साथ कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें एक छोटा छोटा पार्ट दे दीजिए और उसके अकॉर्डिंग वो वर्किंग होती है। नॉर्मली इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केसेस में यूज़ किया जाता है कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो अपनी सारी चीज़ें ऑनलाइन करना चाहती है और सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन करना चाहती है ताकि उसका फाइलिंग वर्क, पेपर वर्क बच सके। तो वो जब काम करती है तो किसी सॉफ्टवेयर टर्म कंपनी जब सॉफ्टवेयर उसके लिए डेवलप करेगी तो ऐसा नहीं है कि उसकी अकाउंटिंग, उसकी फाइनेंस, उसके जो सिविल डिपार्टमेंट है, उन सबके लिए सारे मॉड्यूल एक साथ डिज़ाइन करने की बजाय वो सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती है, सिर्फ अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जो उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है और वो उसने कंपनी को दे दिया। अब कंपनी क्या करती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के उस पार्ट को, मॉड्यूल को पूरा चेक करेगी, सेटिस्फाई होगी, फिर वो उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बोल देगी भाई इट इज़ ओके, देन अगेन उसका प्रोडक्शन वाला पार्ट
होगा। इस तरीके से अलग अलग मॉड्यूल्स में दिया जाता है ताकि कस्टमर को वेट नहीं करना पड़े और वो प्रोडक्ट चेंजेस से इवॉल्व होता है। अब इसमें एडवांटेजेस भी क्या रहती हैं कि आपके यूज़र गेट ए चांस टू एक्सपेरिमेंट पार्शियली डेवलप सिस्टम। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में देखा कि यूज़र को जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है उसके बेसिस पे वो कार्य कर सकता है और एरर्स भी रिड्यूस होती हैं। डिसएडवांटेजेस ये होती है कि इतने सारे वर्जन्स हो जाते हैं कि इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन उसमें चला जाता है कि बहुत बार चेंजेस होके वो इंक्रीमेंटली बढ़ता 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 टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट वर्क करता है। धन्यवाद।